या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रारंभ में हमने ये मंत्र क्यों बोला? ये मंत्र अपने आप में शक्ति का रूप है। जब जब भी भारत भूमि को आवश्यकता पड़ी है, तब तक भारत के वीर सपूतों ने ही नहीं बल्कि भारत की नारियों ने, भारत की वीरांगना ने भी अस्त्र और शस्त्र उठाए। वो आपने सुना ही होगा कि बूंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे उन अनकही, उन धुंधली सी दो वीरांगनाओं के बारे में जिन्होंने 1857 के वक्त लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लिया। बड़ोच की रहने वाली शिव देवी और उनकी छोटी बहन जयदेवी तोमर ने अंग्रेजों से खूब लड़ाई की। तो चलिए आज हम आपको उन अनकही वीरांगनाओं से रूबरू करवाते हैं। 2022 में देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। जैसे जैसे हम इस अवसर के नजदीक पहुंच रहे हैं, क्यों ना हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को नए सिरे से अध्ययन करें। अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वाधीनता संघर्ष के अनकहे नायक नायिकाओं और अनेक अधम्य शौर्य के बारे में जानें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ोद की 16 वर्षीय शतरानी जाट वीरांगना शिव देवी तोमर तथा उनकी छोटी बहन जयदेवी तोमर की पावन स्मृति को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। 10 मई 1857 को हिंदुस्तानी सैनिकों ने मेरठ कैंट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही इस विद्रोह की आग आसपास के गांव, शहरों तक में फैल गई। बड़ोद के बाबा शाहमल सिंह जी तोमर ने इलाके पर घेरा डाल दिया। कहा जाता है कि 18 जुलाई 1857 को अंग्रेज फौज बड़ोद पहुंची और हमला कर दिया। भीषण युद्ध में शाहमल जाट वीर गति को प्राप्त हुए। हमले में अंग्रेजों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। अनुमान के अनुसार 30 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया और पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। गांव को बुरी तरह लूटा गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों ने गांव का राशन पानी बंद कर दिया। अनाज, जानवरों की फसलें और संपत्ति पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 16 वर्षीय शिवदेवी तोमर ने अपनी आंखों के सामने अपने गांव वालों पर ये भीषण अत्याचार देखे। प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक थी। वो और उनकी मित्र किशन देवी ने क्षेत्र के कुछ नौजवानों को एकत्रित किया और उन्होंने बदला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बड़ोद में तैनात अंग्रेजी टुकड़ों पर जोरदार हमला किया। अचानक हुए आक्रमण से अंग्रेज सैनिक घबरा कर आगे भागे। विभिन्न सूत्रों के अनुसार हमले का नेतृत्व शिवदेवी तोमर ने स्वयं किया और कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बेहतर हथियार होने के बावजूद अंग्रेज सैनिक हमले का सामना न कर सके। शिवदेवी तोमर की टुकड़ी का हमला इतना तेज था कि अंग्रेज बड़ोद छोड़कर भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि हमले में शिवदेवी तोमर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गई। जब गांव वाले उनके घावों का उपचार कर रहे थे, तभी अंग्रेज टुकड़ी वापस लौटी और उसने उस घायल युवा वीरांगना पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। युवा वीरांगना ने मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए शहादत का वरण किया और अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया। लेकिन शिवदेवी तोमर की शहादत व्यर्थ नहीं गई। कहा जाता है कि उनकी 14 वर्षीय बहन जयदेवी तोमर ने अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए शपथ ली। उन्होंने गांव के युवाओं को ललकारा और अगल बगल के गाँवों के युवाओं का दल बनाकर लखनऊ तक अंग्रेज टुकड़ी का पीछा किया। रास्ते में उन्होंने बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा की जनता को भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए ललकारा। लखनऊ पहुंचने पर यह दल कई दिनों तक बिना किसी राशन पानी के रहता रहा, बिना किसी के सहायता के अंग्रेज टुकड़ी की तलाश में भटकता रहा। अतः वह अंग्रेज सैनिक टुकड़ी उन्हें मिल गई। कहा जाता है कि जयदेवी तोमर ने अपनी तलवार से टुकड़ी के अंग्रेज अधिकारी का सर कलम कर दिया। शेष दल ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। जिस बंगले में अंग्रेज ठहरे हुए थे उसमें आग लगा दी गई। इस संघर्ष में स्वयं जयदेवी तोमर को वीरगति प्राप्त हुई। बाद में स्थानीय नागरिकों ने लखनऊ में ही उनकी सम्मान पूर्वक अतियोष्टि की। सुदूर गांवों के एक ऐसे अनकहे युवा वीर और वीरांगनाओं के विलक्षण शौर्य प्रसंगों के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ हमें अवसर देती है
कि हम सुदूर गांवों के ऐसे अनकहे युवा वीर और वीरांगनाओं के विलक्षण शौर्य प्रसंगों के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हमें अवसर देती है कि हम ऐसे अनजाने अनकहे वीर स्वाधीनता सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करें। स्वतंत्र भारत की हर पीढ़ी की आज़ादी इन महान वीरों और वीरांगनाओं के महान बलिदान की विरासत है। अब जरूरी है कि आने वाली हर पीढ़ी को इन अनकहे वीर और वीरांगनाओं के बारे में बताया जाए, किताबों में इनकी जीवनी का लेख दिया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इनकी शौर्य गाथा के बारे में पता चल सके। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीर कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।